कोविड 19 वैश्विक महामारी के दौर में इस बार जेलों में राखी बांधने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन जेल में बंद भाइयों की कलाइयां सुनी नहीं रहीं। भाइयों के लिए राखी लेकर जिला जेल पहुंची बहनों की राखी को जिला जेल के बाहर बने कोविड 19 हेल्प डेस्क पर सैनिटाइज कराने के बाद जमा करा लिया गया। उसके पश्चात उसे संबंधित भाइयों को प्रेषित किया गया। इस संबंध में वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर रामधनी ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर जेल में बंद बंदियों के लिए आज खाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि बंदियों के बहनों द्वारा भेजे गए राखी कोविड 19 हेल्प डेस्क पर जमा कर उसे लिफाफे में पैक करके उस पर बंदी का नाम और उससे मिलने आई उसकी बहन का नाम अंकित करने के बाद संबंधित बंदियों तक राखी को प्रेषित कर दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर रामधनी ने कहा, पहले अपने पीछे पीछे हटो, पीछे हटो, मास्क लगा के आओ, जाओ बाहर से। बाबूलाल गो ग्राम इचोई पोस्ट से जना जिला गोरखपुर कथि जना बीचे गांव तो सर इसने भी पैसा भी दी थी बस अर्जेश वर्मा। हाँ, पिता का नाम शिवनंद वर्मा, शिवनंदन वर्मा। एक कल आए भैया अभी क्या राखी नाम सुमेधपुर सुमेधपुर ठीक है। पिता का नाम पिता नाम जीनिया कोविड 19 के मद्देनजर बंदियों के परिजन रक्षाबंधन के पर्व पर राखी अक्षत होली इत्यादि लेकर आए, उनको लिफाफे के अंदर दिया। कोविड हेल्प डेस्क जो उन पर बनाया गया है, उसका काउंटर बना हुआ है, हमारे कर्मचारियों ने उसको प्राप्त किया। जिस बंदी को देना उसका उस पर लिफाफे पर नाम तथा परिजन का नाम और उनका पता अंकित करके प्राप्त किया गया। क्योंकि इन लोगों के लिए स्पेशल भोजन की व्यवस्था अंदर की गई है। सर कितने परिजन आए रहेंगे? कुछ 95 लगभग 100 से अधिक थे। और इसको लिफाफे को सैनिटाइज करके आज वितरित किया गया। परिजनों को मिलने का भी मौका दिया गया था? नहीं।